हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आपको छठवां चैप्टर के अंदर मैंने कल कार्य के बारे में बताया था। अब मैं आपको ऊर्जा के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि स्टेट बोर्ड ने इस टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन आपका पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसका इन्वॉल्वमेंट लगभग सभी घटनाओं के अंदर होता है। तो आपको इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ। ऊर्जा एनर्जी, कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी वस्तु को उठा करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें ऐंठना, मरोड़ना, धक्का देना, ये सब कार्य के एग्जाम्पल होते हैं। तो क्या एक ऊर्जा भी एक कार्य का ही रूप होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। तो एनर्जी जो है यहाँ पर एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो इसको ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ है इसके अंदर, शायद मेरे ख्याल से, या फिर और किसी भाषा से हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यही होता है कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता से अब इसमें क्या सेंस है इसके अंदर? अब इसमें क्या है कि हम किसी वस्तु को उठा करके नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं, या ऊपर से नीचे की तरफ लाएं, या किसी वस्तु का विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह के लिए कर दें, या किसी वस्तु को ऐंठ दें। तो ये जो क्षमता होती है हमारी कार्य करने की, जो है जिसके द्वारा कि हम कार्य कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एनर्जी। जो अब इसमें जो एनर्जी जो होती है वो कैसे इसमें मेजरमेंट इसका किया जाता है? तो वस्तु जिस किसी स्थिति के अंदर है, वो उसकी जो भी वस्तु जो होती है हमेशा न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना चाहती है। ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो कि अब अगर उसकी वो स्थिति जो होती है वो प्रामाणिक स्थिति होती है, अब वहाँ से हम इसको विस्थापित करके वर्तमान स्थिति तक लाते हैं, तो हमें किसी न किसी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो जब हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमें हमारी जो ऊर्जा होती है, एजेंसी जो उसको लेकर के आती है, उसकी एनर्जी जो है घटती है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है इसके अंदर। तो ये एनर्जी कितनी बढ़ी और कितनी घटी, ये कार्य हमें कितना करना पड़ा, वही जो कार्य होता है वो ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कार्य की वह मात्रा होती है जो वस्तु को प्रामाणिक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में करना पड़ता है। आप कहेंगे साहब प्रामाणिक स्थिति क्या होती है? अब मैं इसका एक छोटा सा सीधा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जो भाई जैसे कोई वस्तु फर्श पर रखी हुई है, तो वो उस समय न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति के अंदर होती है, इसी को हम प्रामाणिक स्थिति कहते हैं। अब अगर आप उसको उठा करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वीय बल हर वस्तु पर कार्य करता है, और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। तो जब कभी इसमें इस तरह की स्थिति होती है, जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो भी कार्य किया जाएगा। अब क्या है कि पहले फर्श पर रखी हुई तो उसकी प्रामाणिक स्थिति, अब वर्तमान आप उसको एच हाइट तक लेकर के जाते हैं, तो एच हाइट तक लेकर के जा रहे हैं, वो इसकी वर्तमान स्थिति है जो भाई। तो वहाँ प्रामाणिक से वर्तमान तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा, वही उसकी ऊर्जा होगी जो भाई।
इसी प्रकार से अगर मान लो कोई वस्तु गति कर रही है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो आपको उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जो भी उसके जो वेग होता है तो वेग को आप कम करते हैं। कम करने के लिए क्या करते हैं, व्हीकल के अंदर ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं व्हीकल के अंदर मंदन पैदा होता है, तो उस घर्षण के विरुद्ध घर्षण जो होता है वो उस पर कार्य करता है, जिससे कि व्हीकल जो रुक जाता है। तो अब क्या है कि उसको रोकने के अंदर हमें कितना कार्य करना पड़ा, कितनी उसकी हमारी एनर्जी उसमें खर्च हुई, यही जो एनर्जी होती है, यही जो कार्य होता है, इसी को हम उसकी एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी स्थिति के अंदर वस्तु है वर्तमान के जो पहले से जिस स्थिति के अंदर है वो उसकी प्रामाणिक स्थिति, और जिस स्थिति में आप लाना चाहते हैं वो उसकी वर्तमान स्थिति है। तो प्रामाणिक से वर्तमान तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वह उस वस्तु की ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा जो होती है वो कई प्रकार की होती है। भैया ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार भाई इसमें क्या है कि जैसे आपका यांत्रिक ऊर्जा, जो भी हम यांत्रिक कार्य करते हैं, वस्तु को उठा के ले जाएं, उसको उठा के फेंक दें, या उसको ऐंठ दें, मरोड़ दें, धक्का दे दें, तो ये सब यांत्रिक कार्य है। जो भाई विद्युत ऊर्जा, घरों में आप देखते हैं बिजली आती है तो ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा, आप देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा जब बल्ब के अंदर फ्लो होती है तो फिर बल्ब जलने लगता है, प्रकाश देता है आपको। जो भाई ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाग की ऊर्जा आदि। तो एक्चुअली हमारा जो ब्रह्मांड है वो ऊर्जा से भरा पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। भाई ब्रह्मांड ऊर्जा से भरपूर है। यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जी। तो अब इसमें क्या होता है, ये एनर्जी क्या होती है, वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो कभी कम नहीं होती है। एक ऊर्जा अगर उसकी लॉस्ट होती है तो दूसरी एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। भाई तो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये होता है, अर्थात ब्रह्मांड में सभी ऊर्जाएं होती हैं। अब हम इसका लेते हैं मुख्य रूप से, तो अपन को क्या क्यों कितनी सारी एनर्जीज हैं, तो हम अपना अब ध्यान सिर्फ एक ही बात पे केंद्रित करेंगे और वो है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है कि जो भी यांत्रिक कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वस्तुओं का चलना फिरना और इनका गति करना, वस्तुओं का स्थिर रहना, ये सब यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु को धक्का देना, ऐंठता मरोड़ना, ये सब यांत्रिक ऊर्जा के अंदर है भैया। तो अभी हम यहाँ पर जो ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार तो ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक स्थितिज ऊर्जा और नंबर दो गतिज ऊर्जा। अब इसमें हम एक एक करके इसमें ले कि स्थिर ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थिर ऊर्जा का अर्थ ये होता है कि वस्तु की स्थिति अथवा उसके विन्यास अथवा उसकी विकृति के कारण जो भी ऊर्जा संचित होती है उसे हम उसकी स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो वस्तु जब स्थिर होती है और उसमें जो भी हम विकृति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे मैं इसका एक सीधा सा इसका एग्जांपल दे दूं कि सपोज करो आप किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से उठा करके एच ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो आपने क्या किया कि वस्तु की स्थिति को बदल दिया। पहले जो थी वो प्रामाणिक स्थिति में थी, अब उसको वर्तमान स्थिति के अंदर आप उसको ले आए। इसी स्थिति में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा वो उसकी स्थिति से ऊर्जा होगी। यह ऊर्जा वस्तु की प्रामाणिक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो वर्तमान प्रामाणिक स्थिति का, तो प्रामाणिक स्थिति हम ऐसी स्थिति लेते हैं जहां पर उसकी ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो शून्य से हम किसी वस्तु को नापेंगे किसी को, तो उसकी नापने में आसानी होती है उसके अंदर। तो भी
प्रामाणिक स्थिति में वस्तु की स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। तो इसमें क्या है, यू इक्वल टू, इसको हम यू से डिपेंड करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये तो क्या हो गया, कार्य हो गया, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर विद ए माइनस साइन। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे वो बल के विरुद्ध करेंगे, तो बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा वही इसकी ऊर्जा होगी। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देना, अब नीचे इसमें इन्फिनिटी लिखा हुआ है, अनंत, अनंत पर क्या होती है, अनंत पर हर वस्तु की स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है ना। तो प्रामाणिक स्थिति हम जैसे हम पृथ्वी पर सतह पर रखी हुई, तो हम उसको वहाँ पर स्थिति ऊर्जा उसकी जीरो मान के चलेंगे, तो उसकी प्रामाणिक स्थिति है जो ये, और वहाँ से आप आर स्थिति तक लेकर के आती हैं, तो इसमें किए गए कार्य का मान जो होता है वो स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। अब ये बल किसी भी प्रकार का हो, चाहे संरक्षी बल हो अथवा असंरक्षी बल हो अथवा और किसी प्रकार का परमाणवीय आणविक बल हो नाभिकीय बल हो, उन सब के लिए फॉर्मूला यही लागू होता है। तो इस तरह की स्थिति ऊर्जा का मान जो होता है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो मैं इसका एक उदाहरण ले लेता हूं आपको, जो ही है माना एफ द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी सतह से h ऊंचाई तक ले जाती है। यानी क्या है, भाई यहाँ पर कोई वस्तु है तो भाई ये इसकी पृथ्वी सतह है, आप इसको यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, तो ये इसकी जो हाइट है वो h के बराबर है, ये हाइट h, और यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, तो इस पर जो इसका जो भार होता है mg, उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है। तो आप इसको उठा करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं इस तरीके से, तो क्या है, इस स्थिति में भार mg के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो इन इससे ऊर्जा का मान कितना होगा, इस पर बल कितना हो गया, बल F इक्वल टू एम जी, और विस्थापन कितना हुआ, ये इक्वल टू H। तो जो किया गया कार्य होगा वो इससे ऊर्जा के बराबर होगा। अतः स्थिति इक्वल टू कार्य, तो कार्य कैसे निकालेंगे भाई, बल इंटू
एफ इंटू एक्स, जैसा कि फॉर्मूला है। अब एफ का मान यहाँ एम जी और एक्स के मान स्थान पर हम एच रख देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू एम जी एच। सो यू इक्वल टू एफ के स्थान पर एम जी और यहाँ पर ये एच, एक्स इक्वल टू एच रखने पर, तो ये गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। हालांकि पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय ऊर्जा का मान जीरो नहीं होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हम इसको जीरो मान लेते हैं। जब गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सतह पर भी इस ऊर्जा का मान जीरो कभी नहीं होता है। तो अपने एक थोड़े से एक कॉन्सेप्ट के लिए कि भाई सतह पर जो ऊर्जा का मान जीरो, तो वो इसकी प्रामाणिक स्थिति है। एच ऊंचाई तक लेके जाते हैं तो वो उसकी वर्तमान स्थिति है इसके अंदर। तो ये है गुरुत्वीय इससे ऊर्जा और वस्तु की स्थिति से ऊर्जा। अब मैं इसमें गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तो सीधा है भाई गति है, और ये तो गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, सीधा इसका फॉर्मूला बताता हूँ। गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इसका तो एम वस्तु का द्रव्यमान होता है, जहाँ एम वस्तु का द्रव्यमान और बी वस्तु का वेग। तो आप देख सकते हैं इसमें गतिज ऊर्जा जो होती है वो दो घटकों पर निर्भर करती है, जो एक तो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु का वेग। गतिज ऊर्जा की निर्भरता कौन कौन सी इसकी निर्भरताएं हैं? नंबर वन, के प्रोपोर्शनल टू एम, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। नंबर टू, के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आप देख सकते हैं कि एम और बी दोनों में से किसी का भी अगर हम परिवर्तन करते हैं तो इसकी इस ऊर्जा का मान, तो यानी कि अगर हम इसमें देखें कि ये किस तरीके से डिपेंड करती हैं, तो एक ग्राफ के द्वारा भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर K ले लें और यहाँ पर M ले लें, ये जीरो, तो ये इस तरीके से K प्रोपोर्शनल M। और अगर हम इसका ये ले लें, यहाँ पर K ले लें और यहाँ पर इसका हम V ले लें, दोनों साइड के अंदर ये इसका जीरो है, तो ये इस तरीके का पैराबोलिक परवलयाकार। तो मैंने इसमें आपको इस तरह क्यों लिया, क्योंकि वेग का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और वेग का मान नेगेटिव भी हो सकता है, वेग पॉजिटिव और नेगेटिव, सो सदिश राशि है। तो वही तो आप इसमें देख रहे हैं कि अगर हम इसका वर्क करेंगे तो के का मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसमें क्या होता है, अगर वेग का मान आपने दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, अगर वेग का मान आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा एक चौथाई रह जाएगी। तो क्या कि वेग के बढ़ने अथवा घटने से गतिज ऊर्जा में तेजी से परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान में इसके समानुपाती होती है। द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी,
द्रव्यमान आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से वस्तु का द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान का मान होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका वेग का मान इसमें नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वर्ग होने के कारण इसका मान भी पॉजिटिव होता है। इसका अर्थ ये है कि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, इसका मान ऋणात्मक कभी नहीं होता है। सदैव धनात्मक होती है, जबकि जो इससे ऊर्जा होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इस तरीके से इससे ऊर्जा मतलब धनात्मक ऋणात्मक होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है। और गतिज ऊर्जा जब कभी भी ऋणात्मक होती है किसी भी केस के अंदर, तो इसका अर्थ ये होता है कि वहाँ पर समथिंग इज लॉस्ट, यानी वहाँ पर किसी कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, जो है कुछ एक नई डिस्कवरी होने वाली है उस स्थान पर, कुछ नया कुछ होने वाला है जो। तो जब कभी इसके मान के अंदर नेगेटिविटी आती है तो ये एक नए कण की या एक नए वस्तु की या एक नए घटना की जन्म देता है जो है। इसलिए गतिज ऊर्जा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है जो भैया। अब मैं ऊर्जा के इसमें मात्रक वगैरह बताऊं इसके अंदर जो आपको, तो ऊर्जा के मात्रक इसका हम देखें तो एक तो होता है इसका न्यूटन मीटर, कोई कार्य का रूप है जो है, तो ये इसका, और दूसरा इसका होता है जूल। जूल इसके जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका एसआई मात्रक है, ये एम के एस में है सभी मात्रक, एम के एस में ये इसका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, इसका जो व्युत्पन्न मात्रक। तो ये अगर हम इसका उसमें देखें तो ये डाइन सेंटीमीटर, और एक इसका होता है आपका अर्ग। तो ये जो दोनों मात्रक होते हैं वो सीजीएस में होते हैं, सीजीएस में। और कल मैंने आपको बताया ही था कि इसमें जो एक जूल का मान होता है वो 10^7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसकी जो ऊर्जा होती है वो किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको इसमें टॉपिक सारे हटा दिए गए हैं, तो आपको मैंने एक मेन कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि ऊर्जा क्या होती है, और हम सामान्यतः यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ही अध्ययन करते हैं भाई। तो ये है इससे ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी नीडी फ्रेंड्स को जो कि 11th साइंस में पढ़ते हैं आप उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।